नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल खबर सफर में। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कवरेज स्पाइसेस ऑफ इंडिया, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेज नीलम कादियान, जो कि बनाना सिखाएंगी कि किस तरह स्टफ पापड़ रोल विद चटनी हम घर पे बना सकते हैं बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप हमारी कवरेज से जुड़े रहें, स्पाइसेस ऑफ इंडिया की रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को आप शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह ये रेसिपी बनाना सिखा रही हैं। हेलो, आज की हमारी रेसिपी है पापड़ रोल्स। ये अगेन जो है बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से आप बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने ली है बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च। ये आप कम या ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ 1 छोटा प्याज लिया है। ड्राई मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नमक, भुना हुआ जीरा, अमचूर और थोड़ा सा जो है सूखा पुदीना पाउडर लिया है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार जो है मसाला ले सकते हैं। तो आइए ये सब जो है हम इसके अंदर ऐड करके और जो है फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसको आप मिक्स करके ये जो है हमारी फिलिंग जो है रेडी है। चलिए, इसके बाद हमने ये जो फिलिंग है इसकी इसको हमने इस पापड़ के अंदर हमने फिल करना है। तो इसका एक तरीका है, वो मैं तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो है, बिकॉज पापड़ जो है ड्राई है, ये जो है टूट जाएगा। तो इसके लिए आप एक बोल में पानी ले लीजिए। बोल में पानी लेने के बाद आप हाथ से या ब्रश से इसके चारों तरफ जो है, तो इस तरीके से जो है आपने थोड़ा सा पानी इन पापड़ के ऊपर जो है लगा लेना है, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। पर ज्यादा पानी नहीं लगाना है, नहीं तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये इस तरीके से आपने ये जो है लगा लेने हैं। इन्हें आप साइड में रख दीजिए। ये देखिए, अब हमने ये जो है सारे पापड़ इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हमने ये जो स्टफिंग है इसके अंदर डालनी है। तो इस तरीके से मसाले को आप लंबे आकार में कर लीजिए और इसके लिए आप ये देखिए, इसको बीच में रखना है यहाँ पे जगह, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि हमने इसको जो है फोल्ड करना है। ये पापड़ नरम हो गया है, इसीलिए आप इसको जो है इजीली फोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सील करने के लिए और पानी लगा दीजिए और ऐसे इसको करके आप प्लेट में इस तरीके से उल्टा करके रख दीजिए। इसी तरीके से आप सारे जो पापड़ हैं उनमें आप फिलिंग करके रख लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने जो है सारे रोल्स जो है रेडी करके रखे हैं। आप कढ़ाई में जो है, आप कोशिश करिएगा कि ऐसे थोड़ी सी जो है वाइड माउथ वाला जो है बर्तन कढ़ाई आप लें और उसके अंदर आप तेल डालें और इसे गरम करने के लिए रख दीजिए। जब तक तेल गरम हो रहा है, इन द मीन टाइम जो है हम इसके साथ सर्व करने के लिए एक डिप बना लेते हैं। इस डिप का नाम आप कह सकते हैं देसी सालसा डिप है। तो इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूंगी। ये है पुदीने की पत्ती, कुछ पुदीने की पत्ती ली है, कच्चा आम, हरा धनिया, प्याज, ये एक प्याज है छोटा प्याज, 1 टमाटर हमने लिया है, और नींबू की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कच्चा आम हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप चिंता मत करिए, आप आधा जो है नींबू इसके अंदर डाल दें।
हरी मिर्च ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। सूखे मसालों में हमें चाहिए जस्ट नमक चाहिए और काली मिर्च पाउडर चाहिए और थोड़ा सा हमें ऑलिव ऑयल चाहिएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने जो है ये एक जो है आधा टेबलस्पून जो है मैंने टोमेटो सॉस लिया है और आधा ही टेबलस्पून जो है मैंने टोमेटो प्यूरी ली है। टोमेटो प्यूरी अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो घबराएं नहीं, ये आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा टोमेटो सॉस को अपने स्वाद के अनुसार आप जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। आइए अब हम ये जो है मिक्सी में हम ऐड कर लेते हैं और इसको जस्ट जो आपको जब चर्न करना है तो इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है। मैंने जो है इसको चर्न कर लिया है बट यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमने जो जब आप चर्न करेंगे तब आपने ऑलिव ऑयल नहीं ऐड करना है और ना ही टोमेटो प्यूरी और टोमेटो सॉस ऐड करना है। इसको हम जो है बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हमने नहीं किया है, ये दरदरा है। ये हम लोग निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमने ये जो है ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद ये हमने टोमेटो सॉस ऐड कर दिया है। टोमेटो सॉस के बाद ये टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है और आप ये मिक्स कर दीजिए। ये हमारा चटपटा देसी, ये देखिए। आइए हम देखते हैं हमारा जो तेल है वो गर्म हुआ है या नहीं। उसका तरीका ये है कि हम जो है छोटा सा पापड़ डाल के देखेंगे। ये देखिए तेल जो है हमारा गरम हो गया है। तो इसके लिए हमें जो है तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं चाहिए क्योंकि आप पापड़ डालोगे तो वो हो सकता है कि जल जाए और उसका जो है स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा गरम तेल में उसे फ्राई करेंगे। अब ये तेल बिल्कुल हो चुका है, आप आंच जो है फ्लेम जो है वो कम कर दीजिए और बड़ी सॉफ्टली डेलिकेटली जो है हम इन पापड़ रोल को जो है ऑयल में डालेंगे। ये देखिए पहले मैं जस्ट एक डाल रही हूँ ताकि आप देख लें कि इसको हमने जो है कैसे फ्राई करना है। जेंटली इसको हमने टर्न करना है। इसी तरीके से जो है हमने सारे पापड़ रोल इसके अंदर एक एक करके डाल के फ्राई कर लेने हैं। अब ये देखिए हमने जो है सारे पापड़ रोल फ्राई कर लिए हैं और ये अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये आप खाइए और खिलाइए और एंजॉय करिए और मेरी रेसिपी जरूर लाइक करिए खबर सफर पर। थैंक यू।